आपने देखा कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस और शटल रनिंग मैंने किया, और अभी मैं करूँगा शटल रनिंग दूसरे तरीके का। अभी मैं टाइमर सेट करूँगा, तो गाइस चलते हैं और करके दिखाते हैं फिर आपको। तीन बार जाना है, तीन बार आना है, कितने सेकंड के अंदर हो पाता है वो हम चेक करेंगे। लेट्स गो। दो सेट अभी कंप्लीट हो गया है, एक और लास्ट में मैं मारूंगा। तो इसमें ये पता चल जा रहा है कि जो पहला अटेम्प्ट है उसमें आपको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ भाई अब बॉडी खुल रहा है, अब उसके लायक हो रहा है। लेकिन जो सेकंड सेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बॉडी आपकी खुल गई होती है, आपको स्पीड मिल गया होता है। तो बेटर है कि सेकेंड राउंड में अपना बेस्ट दें, थोड़ा सा रेस्ट ले लें कम से कम एक डेढ़ मिनट का। और अभी मैं तीसरा करने वाला हूँ, इसकी टाइमिंग भी देखेंगे, तीनों सेट की टाइमिंग देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट जाता है। वो सेकंड्स भी मैंने लगा दिए, तो आप उसमें भी नोटिफाई कर सकते हैं कितने सेकंड में 6 रेपिटेशन हो रहे हैं। तो लेट्स गो टू द फाइनल रेपिटेशन, और ये मैं कम से कम 10 का मारूँगा, 6 का देख लेंगे कितना होता है, लेकिन 10 रेपिटेशन मेरे को मारना है और देखते हैं कितने सेकेंड में होता है। सो लेट्स गो। गाइज़ मैंने शटल रनिंग आपको दो टाइप के करके दिखा दिए हैं, और जो लास्ट वाले तीन सेट थे उसका भी कैलकुलेशन कर दिया है और रिजल्ट आ गया है कि कैसे क्या करना है, कितने सेकंड में कौन सा सेट कंप्लीट हो रहा है। तो टोटली अभी कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ रहा हूँ लेग डे के ऊपर, जो अक्सर मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है कि लेग डे कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर अपलोड करूंगा। सो लेग डे का भी आने वाला है, तो वीडियो ज़रूर देखें, ऐसी वीडियो को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। And thank you for your support. Thank you so much.